मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 38वां पार्ट है और चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हैं। तो एक कार्यकाल में सबसे कम दिन 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? भारत में प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है तथा प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब प्रश्न आईएएस पीसीएस में आए हुए हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण कौन से प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था? राजीव गांधी या वीपी सिंह को? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई? सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ विरुद्ध लाया गया? राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू? भारत में तीन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई थी, कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री, या जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इंदिरा गांधी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुने गए थे, आर वेंकटरमन या गुलजारी लाल नंदा? इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? गुलजारी लाल नंदा या श्री राजीव गांधी? भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया था? राजीव गांधी या चौधरी चरण सिंह? प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह या मोरारजी देसाई? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई या राजीव गांधी? और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन हुए? राजीव गांधी या मोरारजी देसाई? ऐसे प्रधानमंत्री कौन हैं जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न होने के कारण त्याग पत्र दे दिए थे? गुलजारी लाल नंदा या वीपी सिंह एवं एचडी देव गौड़ा? लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव
पारित होने के पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे दिया था। ऐसे कौन कौन प्रधानमंत्री हैं? वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा या चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो या दो से अधिक बार प्रधानमंत्री पद पे कौन कौन लोग बने रहे? और मैं ऑप्शन देता हूं आपको, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, या जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही? प्रतिभा पाटिल या इंदिरा गांधी? सबसे लंबी अवधि तक एक विभाग को देखने वाली प्रथम महिला मंत्री कौन थी? नीलम संजीव रेड्डी या अमृता कौर? केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? अमृता कौर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन हुए? लाल कृष्ण आडवाणी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो ये रहा। थैंक यू वेरी मच। आप इसका बार बार रिवीजन कीजिए।